नमस्ते। फाइनली एक मंथ कंप्लीट हो चुका है। 90 डेज की चैलेंज चल रही है जिसमें थाई फैट रिडक्शन करना है और थोड़ा बहुत खाने पीने में ध्यान रखना है और ये वीडियो में दी गई एक्सरसाइज फॉलो करनी है, जिसका आज 4th वीक है। और आगे के वीडियोस देखने के लिए नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। रिजल्ट्स देखने के पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि ये चैलेंज मैंने 90 डेज का ही क्यों लिया, क्यों एक वीक का नहीं, 21 दिन या 30 दिन का क्यों चैलेंज नहीं लिया, 90 डेज ही क्यों? एक बार मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो शांति से पूरा सुन लीजिए। क्योंकि जो हमारी फैट होती है वो बनने में कितने मंथ्स, कितने ईयर लगे होते हैं, वो हम बहुत ही शॉर्ट टाइम में ख़त्म कर दे वो तो पॉसिबल नहीं है। और अगर हम गलत रास्ता चूज करते हैं, जैसे कि खाना बहुत कम खाते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं या फिर दवाइयाँ ले लेते हैं, तो फैट तो बिल्कुल कम हो जाएगी, हम पतले भी हो जाएंगे, पर जैसे ही हम नॉर्मल खाना चालू करेंगे तो हम वापस जैसे थे वैसे हो जाएंगे और इससे बॉडी पे बहुत ही गलत इफ़ेक्ट पड़ेगी। तो ऐसे सब शॉर्टकट में पड़े बिना हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जो प्रैक्टिकल पॉसिबल हो, और चैलेंज के कंप्लीट हो जाने के बाद भी हम रिजल्ट को मेंटेन करने के लिए उसमें से कुछ कुछ स्टेप को फॉलो कर सकें। दूसरी बात, इसे चैलेंज क्यों कहते हैं? क्योंकि 90 डेज यानी कि 3 महीने हम कोई रूटीन बनाए और 3 महीने तक आराम से उसे फॉलो कर सके, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं, जैसे हमें कहीं बाहर जाना पड़ जाए, कोई हमारे घर पे आ सकता है, लॉन्ग ट्रैवलिंग हो सकती है। और गर्ल्स के तो वैसे भी महीने में कुछ दिन लो एनर्जी एंड हाई कैलोरी में जाते हैं, ऐसे बहुत से अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। ये सब के लिए सेम है क्योंकि 3 महीने में कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। बात तो सही है। इसीलिए ये 90 डेज की चैलेंज है। ये सब आज आपसे मैं इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी ट्रैवलिंग करनी पड़ी है इस वीक में, और स्टार्टिंग में एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं हुई है, जिम भी बिल्कुल बंद है, इसीलिए इस वीक में रिजल्ट में थोड़ी इफेक्ट पड़ी है। क्या बोला तूने? और यही तो चैलेंज है, इस वीक में थोड़ा डाउन रहा तो नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में और अच्छा होगा। तो अब देखते हैं रिजल्ट्स। वेट आप देख सकते हैं, ये है फर्स्ट डे का वेट और ये है एक वीक कम्प्लीट होने के बाद का वेट, ये है सेकेंड वीक कंप्लीट होने के बाद का वेट और ये है थर्ड वीक कंप्लीट होने के बाद का वेट। ये है वीक 4 का वेट, बट इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो वेट मशीन है वो अलग है एंड इसमें वेट किया है वो मॉर्निंग एंड लंच के मील के बाद शाम को किया है, बाकी सब वीक में मॉर्निंग में खाली पेट में वेट किया था, इसीलिए लास्ट वेट मैंने वीक 3 का रखा है। अब देखते हैं मेजरमेंट्स। ये सब फर्स्ट डे के मेजरमेंट है और ये 4th वीक के लास्ट डे के मेजरमेंट है। आप देख सकते हैं सारे मेजरमेंट्स में काफी डिफरेंस है एंड लास्ट वीक में एक मेजरमेंट मैंने ऐड भी किया है, एब्डोमिनल गर्थ वाला। आप देख सकते हैं थाई में भी 10 इंचेस का डिफरेंस है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये सच है कि मैंने कोई मेजरमेंट लेने में गलत कर दिया है। बिल्कुल सच है, कोई गड़बड़ नहीं है और मुझे भी एक मंथ के बाद ही काफी डिफरेंस फील हो रहा है। हाय हाय, इतना सुकून। इस मंथ में हमने सब कुछ डिटेल में देख ही लिया है, अब इसी सब को नेक्स्ट मंथ में फॉलो करना है। तो इसीलिए मैं नेक्स्ट मंथ में 2 वीडियो आपसे शेयर करूंगी, फर्स्ट 15 डेज का एक एंड दूसरा लास्ट 15 डेज का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। धन्यवाद।